तक नाराज हो मुझसे? क्यों नहीं नाराज होना चाहिए मुझे? इतना बड़ा फैसला आपने मुझसे पूछे मुझे बताए बगैर कैसे कर लिया इलियास? मैंने कुछ देखा है, इसीलिए बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है। अच्छा, मुझे भी बताएं ऐसा क्या देख लिया आपने? इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं फैसला कर चुका हूं। आप इसे तफसील कहिए या कुछ भी कहिए, ये मेरा हक है, मैं मां हूं उसकी। इलियास, एक दफा पहले भी आपने ऐसे फैसले किए कि मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब भी वही करने जा रहे हैं आप। लेकिन इस दफा अपने बेटे के साथ मैं आपको कोई नाइंसाफी नहीं करने दूंगी। तुम्हारा बेटा समीन को तलाक देने का फैसला कर चुका है, इसके बाद तुम्हें अपने बेटे का घर बसाना है या नहीं? बिल्कुल बसाना है। और दूसरी तरफ असवंत की बेवा, हमारी बहू, क्या वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या बेहतर यह नहीं है कि हम दोनों के लिए अलग अलग रिश्ते ढूंढें, दोनों को एक मौतबर रिश्ते में बांध दें? नहीं नहीं मुझे हरीम फराज के लिए बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें हरीम पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे बेटे को तुम्हारी बेवा बहू पसंद है। रातों को उठ उठ के उसके कमरे में जाता है और देखो अली मां, मेरे लिए इस घर में रहना और मुश्किल मत करो। असफन के बाद हम टूट चुके हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनको एक जायज रिश्ते में बन जाने दो। इसी में हम सबकी इज्जत है, हमारे खानदान की इज्जत है, और हमें सुकून भी मैसर होगा।